स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। जर्नी हमारी यहाँ नियर बाई पंडोह से जो लेफ्ट हैंड साइड को रोड जाता है उसकी जर्नी है। तो मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है। तो आज ट्यूसडे का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम अपने को बीच में गुजारा जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। रास्ता काफ़ी ख़राब है बट पैदल चलने में इतनी दिक्कत नहीं है बिकॉज भाई को क्या हो गया, गर्मी का आनंद लेते हुए हमारे गधा जी। सो भाई साहब कैसे हो आप, इस गर्मी के हालात में आपके क्या मन कर रहा है, कुछ अपनी प्रतिक्रिया बताए आप अपनी। देखने से तो नाराज लग रहे हैं। सो चलिए ठीक है भाई, ठीक है सिंटू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सो जाओ, नीनी करो नीनी, ओके ओके ठीक है। शाम के टाइम यहाँ पे आते हैं, यहाँ का व्यू देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो प्लीज़ विजिट दिस प्लेस। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये पंडोह डैम है हमारा। यहाँ पे अभी बरसात के टाइम पे सबसे रौद्र रूप होगा। जहाँ तक अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे भी आना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव सीधे पूरे यहाँ तक पहुँच जाता है। बट अभी बरसात इतनी आई नहीं है, मानसून आया नहीं है, तो रीज़न है कि यहाँ तक इतना पानी का उफान चढ़ा नहीं है। पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बरसात होती रहेगी तो यहाँ पर आना भी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी का पानी हो जाता है। तो यहाँ पे पानी का बहाव जब बढ़ता है तो ऊटर बजता है। सो बी केयरफुल। जब ये सामने आपको जिसके गेट खुलेंगे, अभी ये गेट खुला है तो इतना ही बहाव है, जैसे कि इसके गेट खुलेंगे तो पानी का बहाव ज़्यादा होता रहेगा। जो और ये सारी जगह दिख रही है आपको, ये पानी ही पानी हो जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे गोवा की बीचेस की तरह प्लेस है, आप देख सकते हो कितना प्यारा प्लेस है। जब यहाँ पे तीनों गेट खुलते हैं तो यहाँ पे पानी पानी हो जाता है। सो तो गाइज़ मैं इसके आगे जा नहीं सकता बिकॉज़ ये जो गेट का दरवाज़ा है, जो हमारा गेट है वो कंटिन्यू जिसमें पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो भी सेफ्टी के अनुसार मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि लगातार पानी का बहाव बढ़ता रहेगा और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे पानी बढ़ता रहेगा। सो छोटा सा तालाब, जो तालाब नहीं है, यहाँ का पानी यहाँ पर डाइवर्ट हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम अपनी भाषा में छपड़ा भी बोलते हैं।